हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। तो सी एस ए नेट 2022 का जो सितंबर मंथ में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये है वीडियो नंबर 3। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर करना। यहाँ पे 50+ लाइक्स का मैंने टारगेट रखा हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप वीडियो को देखते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, IFS का जो सी एस ए नेट का क्रैश कोर्स है उसका जो फ्री एक्सेस का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 जुलाई तक। तो अगर आपने इनके वेबसाइट में रजिस्टर नहीं किया तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो और आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। फ्री में आप 2 दिन एटलीस्ट पढ़ाई कर सकते हो यहाँ से, क्या क्या टॉपिक है, क्या कोर्स है। अगर आपको पसंद है तो बाद में आप परचेज भी कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा आज का 2 क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो जून 2016 में पूछा गया है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जून 2015 में पूछा गया है। दोनों ही सीएसए नेट का क्वेश्चन है। तो ये जो दो क्वेश्चन है, अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सबसेट्स ऑफ आर क्यूब है और आर क्यूब हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो हमको चेक करना है इनमें से कौन सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब होगा, मतलब हमको इन शॉर्ट सबस्पेस चेक करना है, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, मतलब यहाँ पे कौन से जो वेक्टर स्पेस होगा S1, S2 एंड S3 में आर टू आर फंक्शंस गिवन है, ठीक है। S1, S2 एंड S3 में कौन सा जो है वेक्टर स्पेस होगा, ये हमको निकालना है ओवर आर। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो है, अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो सबस्पेस कैसे चेक करते हैं। अगर V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का कांसेप्ट है, और W एक अगर सबसेट ऑफ V है, ठीक है, तब सबस्पेस चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, V जो है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर द सम फील्ड F, ओके, एंड W को भी हमको ओवर द फील्ड F सबस्पेस दिखाना है V का। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हमको W को सबस्पेस दिखाना है तो हम लोग को 2 वेक्टर लेना पड़ेगा। सपोज V1 एंड V2 बिलोंग्स टू W एंड हमको 2 स्केलर नंबर लेने पड़ेंगे अल्फा बीटा फ्रॉम द फील्ड F। देन हमको दिखाना पड़ेगा कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये जो है ये बिलोंग करना चाहिए W में, मतलब जिसको आपको सबस्पेस दिखाना है उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि W जो है वो सबस्पेस ऑफ V होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको डायरेक्टली चेक करना है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको और भी, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है सबस्पेस चेक करना या फिर वेक्टर स्पेस चेक करना है, तो आप सबसे पहले तो देखो कि जीरो एलिमेंट जो है उस सबस्पेस में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आर क्यूब का 0 एलिमेंट क्या होगा, 0, 0, 0, दैट इज x = 0, y = 0 एंड z = 0। क्या x = 0, y = 0, z = 0 इसमें बिलोंग करता है? तो इसके लिए आप देखो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है 0, 0। यस, एक्स के जगह में 0, वाई के जगह में 0, देने से 0 + 0 = 0 ही आता है। तो इसमें तो 0 एलिमेंट बिलोंग करता है, ओके। देन यहां पर देखो, इसमें भी 0 - 0 अगर करें तो 0, तो इसमें भी 0 एलिमेंट बिलोंग करता है, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो 0 + 0 = 0 नहीं आता है, यहां पर 0 = 0 + 0 = 0 आता है, पर यहां पे 1 हो जाता है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, 0, 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसमें 0 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये सबस्पेस ही नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में 0 एलिमेंट होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी 0 - 0 करने से 1, ये तो कभी नहीं आएगा, 0 - 0 = 0 होता है, तो इसमें भी 0 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो 0 एलिमेंट सिर्फ ए में और बी में बिलोंग करता है। तो ये एक्चुअली पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिर्फ आप पहले ये देख लो कि 0 एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। बेकार में आपको पूरा कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है कि सबको कंडीशन चेक किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप सिर्फ अगर 0 एलिमेंट को चेक करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर स्पेस चेक करना है इस क्वेश्चन में, तो आप सिमिलरली 0 एलिमेंट देख लो, तो फंक्शन
जो है आर टू आर फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शंस का जो जीरो एलिमेंट होगा, अगर सेट ऑफ फंक्शन का वेक्टर स्पेस बना तो उसका जीरो एलिमेंट क्या होगा, जीरो फंक्शन, ठीक है, जीरो फंक्शन। तो जीरो फंक्शन क्या होता है, जीरो फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी डालो आपका आंसर जीरो ही मिलेगा, एक्स की जगह में आप कुछ भी डालो आंसर आपको जीरो मिलेगा, ये जीरो कैप फंक्शन का नोटेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो फंक्शन। तो क्या ये बिलोंग करेगा इसमें, तो देखिए अगर मैं जीरो इधर पे डालता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो तो जीरो ही होगा, मतलब जीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें देखिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो क्या वन होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, ये तो जीरो होगा, तो ये इसमें जीरो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। और इसमें देखिए इसमें बोला लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो एक्स एग्जिस्ट, तो ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो अगर आप बिठाते हो, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री जीरो तो ये आंसर क्या होगा, जीरो, तो ये तो एग्जिस्ट किया, ठीक है एग्जिस्ट किया, तो इसमें भी जीरो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस टू में जीरो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए में बोला ओनली एस वन, ये वेक्टर स्पेस ओनली एस वन नहीं है, एस थ्री भी तो है, तो ये वाला रॉन्ग होगा, एस टू तो है ही नहीं, S1 and S3 are vector space but not S2, ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि S2 नहीं होता है, सिर्फ S1 and S3 होता है, और इसमें बोला था all three are vector space तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे vector space या फिर vector subspace चेक करते हैं, आप सिर्फ देख लो कि zero element belong करता है कि नहीं करता है, अगर zero element belong नहीं करता है तो कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, और अगर zero element belong करता है तो आपका vector space होने का चांस जो है वो 90% हो जाएगा, और अगर आपको और भी क्लियरिटी चाहिए तो आप कंडीशन चेक करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अभी आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ पे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर है, आप मुझे बताओ कि कौन सा जो है वो वेक्टर सबस्पेस होगा आर स्क्वायर का, ठीक है, 50 प्लस लाइक्स का यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच, वीडियो के अंत तक देखने के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएगा, थैंक यू।